तो चलिए, हम लोग देख रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए, ज्योतिबा फूले ने। अगला है, 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। अगला है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे देवबंद स्कूल से। भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? माउंट बैटन प्लान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई? सांडर्स हत्याकांड में। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में जर्मनी में स्टुटगार्ड नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल में 1918 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी की? ऊधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? एम एस खान। अगला, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? सैनिक नेता जनरल वक्त खां के। अगला है, दो या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? संसद। अगला है, भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? राज्य की नीति निर्देशक तथ्यों में। अगला है, किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? 24वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया था? यह स्वराज्य दल ने। अगला, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई? अनुच्छेद 155। अगला, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत की गई? 169। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। अगला है, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? संवर्ती सूची का। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारक के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। अगला है, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1938 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किसके किनके प्रयास से हुआ था? 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। अगला, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर, यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का। अगला है, बारिंद घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? अनुशीलन समिति। अगला है, विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर ने
अभिनव भारत का नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1904 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने गुजरात में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में। अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के चार पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? सांड। सांड। अगला है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव, जय विकास नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो यह पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी के हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। अगला है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल। अगला है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था असहयोग आंदोलन। अगला है, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मणिराम दत्ता ने। अगला है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? ये थे फणेन्द्रनाथ घोष। अगला है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे अबुल कलाम आजाद। अगला है, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का। अगला है, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? रॉलेट एक्ट का। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरिदेशमुख। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, 1868 में कलकत्ता प्रकाशित होने वाला कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? डफरिन ने। अगला है, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? 1923 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। अगला है, गांधी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय युद्ध में सरकार के साथ नहीं है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई? क्रमशः सतारा और मिदनापुर। अगला है, मिदनापुर और सतारा में, याद रखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति पूरी तरह ना हिंदू है, ना इस्लामी और ना ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजन है, यह कथन है महात्मा गांधी। अगला है, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्पू। अगला है, बंगाल विभाजन 1905 मुख्यतः किस कारण से किया गया? हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में
विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लेमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? लॉर्ड कैनिंग को। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली और तीसरी। ठीक, दूसरी में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक,